चलो मालिकीम, मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का हमारा वचन है निर्गमन 20:3। बहुत ही जाना पहचाना वचन है जिसमें परमेश्वर हमें कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और देव नहीं होगा। इस बात के वैसे दो पहलू हैं। आज हम किसको अपना परमेश्वर मानते हैं? हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और उसके साथ चलते हैं। हम हर अर्ज परमेश्वर से ही करते हैं और परमेश्वर हमारी अर्जें पूरी करता है। एक बात अगर हम याद करें तो जब मूसा पर्वत पे था और इजरायली लोग सब नीचे थे और मूसा 40 दिन के बाद आने वाला था, पर उसको 40 दिन लोगों को बहुत लगे। मूसा काफ़ी दिनों तक नीचे नहीं आया और परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। परमेश्वर ने सबसे अनमोल वचन, जो इज़राइल लोगों की पूरे जीवन के लिए ज़रूरी थे, वो वचन परमेश्वर वहाँ मूसा को दे रहा था। तब इज़राइल के लोगों ने क्या किया? ऐसा नहीं था कि इज़राइल के लोगों वचन के बिना परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। इज़राइल के लोगों को मिस्र में से परमेश्वर ने ही बाहर निकाला, उनको उनका बचाव किया। मिस्र पे जो भी आपत्ति आई वो सारी ही इज़राइल के लोगों ने देखी हुई थी। कैसे उनको समुंदर के बीच में से निकाला था वो उन्होंने देखा था, कैसे उनको चलाया था, कैसे परमेश्वर उनको छांव देता था और धूप देता था, कैसे उनको खाना देता था, सब कुछ इज़राइल के लोगों ने देखा हुआ था। वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। फिर भी जब मूसा नीचे नहीं आए तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने हारून को बोला कि हमारे लिए एक देव बना दो, एक मूर्ति बनाओ जिसकी हम भजन करें। और उस मूर्ति का इज़राइल के लोगों ने भजन किया। क्यों? क्योंकि वो बाट नहीं दे पाए, मूसा नीचे आए उतनी राह नहीं देख पाए। 40 दिन कोई बड़े दिन नहीं होते, पर उनकी धीरज खत्म हो गई। वैसे ही आज कई बार हम लोग भी इसी तरह से करते हैं। हम परमेश्वर से कोई चीज़ मांगते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई दुआ में होते हैं हम, परमेश्वर हमें कहते हैं वेट, रुक जाओ थोड़ा, अभी सही समय नहीं है। फिर हम कुछ दिन और प्रेयर करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें कहता है रुक जाओ थोड़ी देर, अभी समय नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटा के हम अपने कोशिशें करने लगते हैं। लोगों के पास जाता है, लोगों से पूछते हैं, लोगों से मदद लेते हैं, हमारे पैसों पे, हमारी धन दौलत पे, हमारे मकान पे, हमारे हर ऐसे इन्फ्लुएंस वाले लोगों से हम मदद लेने दौड़ जाते हैं। हम लोगों को कॉल करने लगते हैं, हम लोगों से पूछने लगते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, कैसे अरेंज होगा, खुद की कोशिशें करने लगते हैं। आज हम भी इज़राइल की तरह दूसरे देव बना लेते हैं। आज हम भी परमेश्वर से ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बार हम परमेश्वर को अवॉइड करके हम अपना काम करने लगते हैं, हम अपने लोगों के पास चले जाते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं उनको हम खुश करना चाहते हैं। ये भी परमेश्वर को जब भी हम अवॉइड करते हैं, ये परमेश्वर के अलावा के हम देव ढूंढ लेते हैं कि जो परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको भी हम परमेश्वर का समय देते, परमेश्वर की जगह देते, परमेश्वर की वाहवाही देते, परमेश्वर से ज़्यादा जिसकी हम महिमा करते, वो सारे ही अन्य देव है। आज कितने ही साल हो गए, 6000 साल होने को आया है, पर फिर भी आज भी हम परमेश्वर को छोड़ दूसरे लोग, दूसरे धर्म और दूसरे देव ढूंढने लगते हैं। एक और एस्पेक्ट है इस बात का, परमेश्वर ने आगे के वचनों में यही कहा है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाओगे, ना कोई इमेज, ना कुछ कार्विंग, ना लकड़ी की, ना पत्थर की, ना किसी चीज की जो पृथ्वी पर है, उस ऐसी किसी भी चीज की जो बनाई गई है, जो मनुष्य ने करी है, ऐसी कोई चीज तुम अपने लिए नहीं बनाओगे। इज़राइल लोगों ने सोने की मूर्तियां बनाई, लकड़ी की बनाई, पत्थर की बनाई,
आज हम भी तो वही कर रहे हैं। हम में से कितने सारे लोग हैं जो क्रॉस पहनते हैं, जो क्रॉस को इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा मानते हैं कि फोटो रखने से, क्रॉस रखने से या घरों में ऐसी चीज़ें रखने से परमेश्वर की हाजिरी रहेगी या परमेश्वर की पवित्रता रहेगी या परमेश्वर हमारे साथ रहेगा या उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। प्रभु का वचन कहीं भी इस तरह की कोई बातें नहीं कहता, परंतु इस तरह की मूर्ति पूजा के अगेंस्ट बाइबल में कम से कम 550 से ज़्यादा वचन है। ये भी एक तरह की मूर्ति पूजा है कि जब हम पृथ्वी की चीज़ों में परमेश्वर का अस्तित्व ढूंढते हैं, ऐसे मानते हैं जैसे अन्य धर्मी लोग मूर्तियों को मानते हैं, उसी तरह से आज हम क्रॉस को मानते हैं, इमेजेस को मानते हैं, हमारे चर्चेस को मानते हैं, हमारे लोगों को मानते हैं, हमारे पास्टर्स को हम उसी तरह का दर्जा दे देते हैं। ये भी मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है, इससे और ज़्यादा मूर्ति पूजा तो क्या होगी। कैंडल्स लगाते हैं हम, दिए लगाते हैं, धूप करते हैं हम, पानी का छिटकाव करते हैं, ये सारी चीज़ें मूर्ति पूजा नहीं है तो और क्या है। क्या हम जाने या अनजाने में इन कई चीज़ों के बारे में फंसे हुए नहीं हैं आज भी? क्या हम भी इसराइल लोगों की तरह अपने परमेश्वर को छोड़ कहीं और इधर उधर भागते नहीं हैं? परमेश्वर आज भी हमें बोलता है, परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो 6000 साल पहले था वही वचन आज भी है। परमेश्वर आज भी चाहता है अपने लोगों को कि केवल वो जिंदा खुदा परमेश्वर को ही चाहे। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उनके बजवइये आत्मा से और सच्चाई से उसका भजन करेंगे। कोई चीज नहीं, कोई लोग नहीं, कोई मूरत नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई अगुआ नहीं, केवल परमेश्वर। आइए हम खुद के लिए परमेश्वर से माफी चाहे। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदा परमेश्वर, हम आपके चरणों में रहते हैं। हमसे जाने में अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, शायद हमारी ना समझी के कारण परमेश्वर हमने गुनाह किए हैं, उन सारे गुनाहों को माफ़ करें प्रभु। हम केवल आपसे जुड़े रहे, आप जिंदा खुदा हो और हमारे साथ हो, हमारे अंदर रहते हो और आपका अस्तित्व हर जगह है। हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें नया जीवन दे, हमें फिर से नई समझ दे प्रभु, आपसे फिर से जोड़ दे प्रभु। सारी ही मूर्तियों से और अन्य देवों से प्रभु हमें छुड़ा दो, सारे ही उन लोगों से, सारे ही उन बाबतों से, सारे ही उन आदतों से प्रभु हमें मुक्त करें, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।